मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर थाना इलाके में 11 केवी की बिजली तार की चोरी कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को लाखों का चूना लगाने वाले गिरोह का सिंहेश्वर पुलिस ने खुलासा करते हुए लगभग 1.5 क्विंटल तार के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के विद्युत आपूर्ति प्रशाखा सिंहेश्वर के द्वारा सिंहेश्वर थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विद्युत विभाग द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सिंहेश्वर इलाके में 11 केवी बरेली घरेलू फीडर और 11 केवी बरेली कृषि फीडर में अज्ञात चोर द्वारा बार बार तार काटने और पोल तोड़ने की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान विभाग को हुआ है। जाहिर है इतनी बड़ी रकम के नुकसान से विभागीय अधिकारियों की नींद हराम हो गई होगी। सिंहेश्वर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा लिखित शिकायत मिलने के बाद तार की चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए सिंहेश्वर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी थी। इसी दौरान पता चला कि गिरोह का एक चोर बिजली तार को बेचने के लिए सिंहेश्वर मेला ग्राउंड आया है, जिसके बाद पुलिस ने फौरन छापेमारी कर लगभग 1.5 क्विंटल बिजली तार के साथ एक चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस गिरफ्त में आए चोर का नाम दिलखुश कुमार है और वह सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के लाला पट्टी का बताया जा रहा है। सिंहेश्वर थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस गिरोह में शामिल अन्य सदस्य के साथ साथ यह गिरोह चोरी के तार को किसके माध्यम से और किसे बेचता था, पुलिस इस दिशा में भी तफ्तीश कर रही है। जल्द ही इस गिरोह में शामिल अन्य सदस्य और उसके साथ साथ चोरी के तार को खरीदने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसी साल फरवरी महीने में लालापट्टी क्षेत्र में जो भराही का सीमा पड़ता है वहाँ पर लगातार विद्युत तार की चोरी की घटना घट रही थी। इससे काफ़ी परेशानी हो रही थी, विद्युत विभाग को बहुत बड़ी क्षति हुई थी। उसी में हम लोग कार्रवाई किए हैं और अच्छी खासी उपलब्धि है हमारे लिए। काफ़ी मात्रा में विद्युत तार का चोरी मतलब बरामद किया गया है, एक अभियुक्त को भी पकड़ा गया है। कहाँ का रहने वाला है ये? लालापट्टी का रहने वाला है, दिलखुश कुमार है, जो सोनेलाल यादव का बेटा है। और आपको बता दें कि इससे पूर्व भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, उनकी भी संलिप्तता है। और इनके साथ और कौन कौन है इस संबंध में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। ये लोग कहाँ इस माल को बेचते हैं चोरी कर? ये हम लोग इसमें पूछताछ कर रहे हैं कि मतलब ये सामान कहाँ बेचते हैं, इसे खरीदने वाले कौन हैं, इस सब बिंदु पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये सिंहेश्वर मेला ग्राउंड में मतलब बेचने के लिए आए थे, अपना लाइनर सेट किए वहीं पे गिरफ्तारी हुई है। गिरोह भी है इसका क्या? इन लोग से पूछताछ पता चला है, इन लोग का लंबा चौड़ा गिरोह है, इसमें लोग पूछताछ कर रहे हैं। कितना तार बरामद हुआ है? करीब 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल के बीच में ये होगा, एल्युमिनियम का तार है जो पोल पर मतलब। कितना कीमत होगा सर इसका? आंकलन हम नहीं कर सकते हैं, तो ये विद्युत विभाग ही बता सकता है, लेकिन अच्छी खासी उपलब्धि है हमारे लिए।